वेलकम टू स्टडी ऑफ जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में। अब तक हमने एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में डिस्कस कर लिया है। ज्यूरिसप्रूडेंस की अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यूरिसप्रूडेंस का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपका डिस्क्रिप्टिव और जो आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होता है दोनों में आपको हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्कूल के इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए आता है और सोसाइटी के लिए ही जाता है, और लॉ में जो अमेंडमेंट होता है वो भी सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं वो बदल रही हैं धीरे धीरे, उसी को देखते हुए होता है। इस चीज़ को ही इस स्कूल में रिफ्लेक्ट किया गया है। इस स्कूल के जो एक्सपोनेंट हैं उनका यही कहना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी में जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उन्हीं का क्या है, प्रोडक्ट है, उन्हीं से आया है। यानी कि जो लॉ है वो सोशल फिनोमेना है। इसके अलावा इस स्कूल वालों का ये भी मानना था कि जो लॉ होता है उसको हम ज्यूरिसप्रूडेंस में सोसाइटी के कंटेक्स्ट में रख के पढ़ते हैं, तो इसलिए जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। और कुछ तो ये भी कह देते थे कि ज्यूरिसप्रूडेंस तो सोशियोलॉजी का पार्ट ही है। इसके अलावा इस स्कूल की ये अवधारणा थी कि जो लॉ है उसका क्रिएशन, उसका डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। और जैसे कि बेंथम कहते थे कि जो लेजिस्लेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पीपल हैं सोसाइटी के उनको मैक्सिमम प्लेजर हो, इसी तरीके से इस स्कूल वालों का ये कहना था कि जो लेजिस्लेशन किया जाता है, लॉ का जो निर्माण किया जाता है वो मैक्सिमम पीपल को हैप्पीनेस एंड फैसिलिटी देने के लिए किया जाना चाहिए। और साथ ही इस स्कूल के समर्थक इस बात पे जोर देते थे कि जो लॉ होता है ना ये फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल मतलब मान लो कोई कमी थी सोसाइटी में, उसको पूरा करने के लिए लॉ लाया गया, तो अब जो लॉ लाया गया है वो उस कमी को क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, उस कमी को दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, लॉ बन गया ऐसा क्या ऐसे ही पड़ा है, तो तब वो क्या हो जाएगा, वो डेड लॉ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो फंक्शनल होने चाहिए। अगर एक और एग्जांपल हम देखें जो कि है ट्रिपल तलाक का एग्जांपल, अगर उसको शायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया होता और पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया होता जिससे कि ट्रिपल तलाक को इंडिया में क्रिमिनलाइज किया जा सके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंडिया में कोई ऐसा इम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिलता, ट्रिपल तलाक चलता रहता क्योंकि उसके लिए कोई सज़ा होती ही नहीं इंडिया में, तो लोग ट्रिपल तलाक देते रहते। बट जैसे ही पार्लियामेंट ने उसको बाईपासिंग मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पनिशेबल ऑफेंस बनाया, तब से हमारे इंडिया में ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। तो इसी तरह से जो लॉ है वो क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले जोर देते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के अगर हम समर्थकों की बात करें तो काफ़ी सारे सपोर्टर थे इस स्कूल के, जैसे कि मोंटेस्क्यू, अगस्त कॉम्ते, डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, डिगिट, गियरके, झेरिंग, गियरलिक एंड डीन रोस्कोपाउन। अब बारी बारी से इन सभी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मोंटेस्क्यू के बारे में बात की जाए तो ये जो थे ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस से भी कनेक्शन था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फ्रांस में हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस की जो फाउंडेशन है वो ले डाउन की थी। इसके अलावा इनका कनेक्शन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस से भी था, मतलब दो दो गर्लफ्रेंड थी इनकी। मोंटेस्क्यू की एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसमें इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर साइंटिफिकली क्या किया था, प्रपाउंड किया था, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मोंटेस्क्यू का ये मानना था कि लॉ गुड है या लॉ बैड है ये चीज़ डिस्कस करना इरेलेवेंट है, क्योंकि ये चीज़ तो डिपेंड करती है सोसाइटी में जो भी सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उसके ऊपर, उसी के हिसाब से कोई लॉ गुड होता है, उसी के हिसाब से कोई लॉ बैड होता है। इसके अलावा मोंटेस्क्यू का कहना था कि जो
लॉ होता है उसको अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम पे जो लॉ था वही हम अब के टाइम पे अप्लाई करते रहे। अगर सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग वो सही है तो अप्लाई करना, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सोसाइटी बदल गई है फिर भी हम उसके ऊपर पुराना लॉ अप्लाई कर रहे हैं जो अप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 ऑफ IPC जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को पिनलाइज करता था, ये 1860 में IPC में इंसर्ट किया गया जब हम अंग्रेजों के अधीन थे। तब हमें नहीं पता था अपने अधिकारों के बारे में, जो अंग्रेजों ने थोप लिया वो हमने मान लिया। 1860 से लेकर अब तक हमारे समाज में, हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग हुए, और इसी वजह से होमोसेक्सुअल रिलेशन को इंडिया में मान्यता देने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। लगभग 1991 से स्टार्ट हो गए थे मूवमेंट्स, बट सक्सेस 2018 में मिली नवतेज सिंह जौहर के केस में। और जो भी लोग होमोसेक्सुअल रिलेशंस के अगेंस्ट थे उनका यही मानना था कि ये तो वेस्टर्न कल्चर है जो कि इंडियन सोसाइटी अडॉप्ट करने लग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में बहुत पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी और इसके बारे में काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स में काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह भी हैं। और साथ ही आप अगर चले जाएं भीमबेटका की गुफा हो गई मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल हो गया, ऐसी कुछ नाम है उसका, वहाँ पर काफ़ी सारे चित्रकला आपको दीवारों पर मिलेगी जिसमें मतलब होमोसेक्सुअल रिलेशंस डिपिक्ट होते हैं। तो ये चीज़ जो लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करें फिर से, तो इनका बस यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो लॉ है उसको अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी बदलना चाहिए। और इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में, इस वजह से इनको हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस का फाउंडर तो नहीं कहते हैं लेकिन फोररनर कहते हैं। इस स्कूल के अगले समर्थक हैं अगस्ट कॉम्टे, ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी टर्म को क्या किया, यूज़ किया, और इस वजह से इनको साइंस ऑफ सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। इनका ये कहना था कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या होती है, सोशल फैक्ट का पॉजिटिव साइंस। और साथ ही इन्होंने ये कहा था कि जो सोसाइटी होती है वो एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म होती है, यानी कि जो सोसाइटी है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही क्या कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, ग्रो कर सकती है, अगर उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल से गाइड किया जाए। और जैसा कि इन्होंने अपनी सोशियोलॉजी की स्टडी में साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई किया था, इसी वजह से इनके मेथड को साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इनके जो भी कॉन्सेप्ट थे उनसे इंस्पायर होके अगले समर्थक इस स्कूल के आए डर्खाइम, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में आपको इतना ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। इन्होंने ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ सोसाइटी, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रपाउंड की थी जो कि अक्सर प्री एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेंथम की तरह ही जो हर्बर्ट स्पेंसर थे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्फेरे को सपोर्ट करते थे और इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते थे। लेजिस्फेरे का मतलब होता है लेट द मैन फ्री, यानी कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के फ्रीडम में कम से कम इंटरफेरेंस करे। हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति वो चीज़ करने के लिए फ्री है जो चीज़ वो करना चाहता है, बट अगर कोई व्यक्ति कुछ भी एक्ट करता है उसके किसी भी एक्ट से जो वो अपनी इच्छा से कर रहा है दूसरे की फ्रीडम में जो इक्वली दूसरे को मिली हुई है, कोई इन्फ्रिजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए दूसरे की फ्रीडम का, यानी कि हर एक व्यक्ति को उतनी लिबर्टी मिली हुई है जितना कि वो अपनी उस लिबर्टी से दूसरे की जो लिबर्टी है उसको कोई हानि ना पहुँचाए। इस स्कूल के अगले समर्थक है डिगेट, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर थे और अगस्त कॉम्टे की थियोरी ऑफ लॉ एज अ फैक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डिगेट बेसिकली जो प्राइवेट राइट होता है और जो इंडिविजुअल राइट होता है, मतलब दोनों एक ही होता है, इसके एग्जिस्टेंस से डिनाई करते थे, यानी कि यह कहते थे कि प्राइवेट राइट नाम की, इंडिविजुअल राइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बल्कि अगस्त कॉम्टे की तरह ही डिगेट का ये मानना था कि एक आदमी अगर कोई राइट पोजेस करता है तो वो राइट है, राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, और यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा डिगेट की लीगल थ्योरी में, जो कि डिगेट की लीगल थ्योरी को एक बेस देता है। डर्खाइम जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बुक दी थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से। इस बुक से डिगेट बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और
और जो भी इंस्पिरेशन डिग्गिट को इनकी डर्कहाइम की बुक से मिला उसको डिग्गिट ने अपनी थियोरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी में रिफ्लेक्ट किया, और इस तरह से डिग्गिट ने थियोरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी प्रपाउंड किया। सॉलिडेरिटी का बेसिकली मतलब होता है यूनिटी, और ये वर्ड आपने 9th क्लास में एनसीईआरटी में एक चैप्टर होता था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो पोलैंड था वहाँ पर एक ट्रेड यूनियन उभर के आया था जिसने मतलब पोलैंड में जो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट चल रहा था, वहाँ पर करप्शन वगैरह जो करने लग रही थी गवर्नमेंट, उसको पब्लिकली हाईलाइट किया था। उस ट्रेड यूनियन का नाम पड़ा था वहाँ पे सॉलिडेरिटी, ऐसे करके ही कुछ था, एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका COVID-19 बहुत ज़्यादा पीक पर था 2020 में, तब सोशल डिस्टेंसिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग रही थी, तो उस टाइम पर एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने लिखा था वी नीड सोशल सॉलिडेरिटी नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि डिग्गिट ने सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के तहत इन्होंने कुछ बातें कही। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो मैन होता है ना उसकी सोसाइटी में दो तरह की नीड्स होती हैं और उन दोनों नीड्स में डिफरेंस होता है। बेसिकली एक होती है कॉमन नीड, एक होते हैं डाइवर्ट नीड्स। जो कॉमन नीड्स होते हैं इंडिविजुअल की वो सेटिस्फाई हो जाती है म्यूचुअल असिस्टेंस से, यानी कि एक दूसरे के टास्क में हेल्प वगैरह करके। सेकेंडली अगर हम बात करें डाइवर्स नीड्स की, तो जो भी इंडिविजुअल की डाइवर्स नीड होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज से, यानी कि एक दूसरे की सर्विस हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पढ़ा रहा है उसके बदले में आप उसको फीस दे रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसके लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर की सर्विस लेने जाते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम कार रिपेयर वाले के पास जाते हैं, हमें अपना घर बनवाना होता है तो हम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं। हाँ वो बात अलग है अगर आप 30 मार्क खाएं, मतलब आपको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप हर काम अपने आप कर सकते हैं, तब तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें कभी ना कभी हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। पूरी लाइफ आपने किसी की कोई भी सर्विस अगर नहीं ली, बट जिस दिन आप मरेंगे उस दिन जो क्या बोलते हैं पुजारी वगैरह होते हैं और जो आपका अंतिम संस्कार करते हैं उनकी सर्विस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब हमें एक दूसरे की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, पूरी लाइफ में ये चीज़ चलती रहती है। तो इस तरह से डिविजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में, और यही क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल कोहेंशन का, जिसको सोशल सॉलिडेरिटी का नाम दिया गया। विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्री इंडिविजुअल एक्टिविटीज, जो सोशल सॉलिडेरिटी है उसमें भी डेवलपमेंट होता है। इस तरह से जो सोशल सॉलिडेरिटी होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी फैक्ट होता है सोशल लाइफ का, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं सोसाइटी में वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हर एक इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में अपना काम कर रहा हो, अपनी सर्विस दे रहा हो, चाहे वो एडवोकेट है, डॉक्टर है, मजदूर है, सब के सब सेम सोशल ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और सब क्या कर रहे हैं सेम एंड के लिए एक्ट कर रहे हैं, अपना जो भी रोल है वो अदा कर रहे हैं, और वो सेम पर्पस क्या है, वो सेम एंड क्या है, वो सेम एंड है सोशल सॉलिडेरिटी। और इसी एम को अचीव करने के लिए क्या होता है, जो लॉ है वो बनाया जाता है, वो हटाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। एवरीथिंग इज फॉर सोशल सॉलिडेरिटी, ये चीज़ कहते हैं डिग्गिट। तो बेसिकली जो लॉ होता है हर एक इंडिविजुअल उसको क्यों फॉलो करता है, इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो एक सोशल ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, वो मेंबर है सोसाइटी का, दैट्स व्हाई ही फॉलोज द लॉ। इसीलिए जो डिग्गिट हैं वो स्टेट सॉवरेनिटी को भी क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, और साथ ही वो ये चीज़ भी नहीं मानते कि जो पब्लिक लॉ होता है जो प्राइवेट लॉ होता है वो अलग अलग होते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि कोई भी लॉ हो वो सब के सब बने हैं किस लिए, सोशल सॉलिडेरिटी को अचीव करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जो डिग्गिट हैं वो ये चीज़ एड्रेस नहीं किए कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि कोई पर्टिकुलर रूल, कोई पर्टिकुलर एक्ट जो सोसाइटी में किया जा रहा है वो सोशल सॉलिडेरिटी के लिए है या सोशल सॉलिडेरिटी के लिए नहीं है। बस ये कह दिया कि हर एक चीज़ सोशल सॉलिडेरिटी के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते थे कि जो सोशल सॉलिडेरिटी का ये प्रिंसिपल दिया है डिग्गिट ने, इसमें वैगनेस है, डिफरेंट पर्सन इसको डिफरेंटली क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं।
इसमें मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो ये तो थी आपकी सोशल सोलिडारिटी की थ्योरी जो डिंगिट ने दी थी। नेक्स्टली जो गिरके थे ये भी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस से थे, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इन्होंने दिया था थियोरी ऑफ एसोसिएशन, बस इतना याद रखना है आपने इनके बारे में। इसके बाद आता है रुडोल्फ वॉन जेरिंग, कहीं कहीं पर लिखा रहता है रुडोल्फ वॉन एयरिंग, ये एक जर्मन जुरिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑस्टिन का जो पॉजिटिविज्म वाला कॉन्सेप्ट था, बेंथम की जो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, हर्बर्ट स्पेंसर का जो बायोलॉजिकल थियोरी था लॉ के एवोल्यूशन का, इन सब को क्रिटिसाइज किया। क्यों किया, क्योंकि इनका कहना था कि ये सारी की सारी ना सोशल रियलिटी के कंटेक्स्ट में नहीं है। जेरिंग ये कहते थे कि लॉ के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, इनकी तरह एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से जो लीगल फिलॉसफी जेरिंग ने दी उसको कहा गया ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट, और इस लीगल फिलॉसफी में कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए जेरिंग ने, वो सारे प्रिंसिपल अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है लॉ इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यानी कि जो लॉ आप पढ़ रहे हैं ना ऐसे नहीं आ गया वो, मतलब कि जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ है वो ना तो स्पॉन्टेनियसली हुआ है और ना ही पीसफुली हुआ है, बल्कि उसके पीछे बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी है, मतलब कॉन्स्टेंट स्ट्रगल हुआ तब जाके लॉ सामने आया, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए तब जाके लॉ सामने आया। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक कितना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, तब जाके हमारे पास हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया। हर एक लॉ के पीछे बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी होती है, ये ध्यान रखना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ पास्ट में, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए पीस को पाने के लिए, तब जाके आपका लॉ हमारा सामने है, तब जाके जो लॉ है एज अ रिजल्ट हमें एक फ्रूट के रूप में मिला। सेकेंड प्रिंसिपल है लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस, यानी कि जो लॉ होता है ना उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल पर्पस को सर्व करना, ना कि इंडिविजुअल पर्पस को सर्व करना। यानी कि जो जेरिंग थे वो ये मानते थे कि जो लॉ है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी में जो भी कंफ्लिक्टिंग इंडिविजुअल पर्पस हैं उनको हार्मोनाइज करके सोशल पर्पस को एज अ होल प्रोटेक्ट करना। इस तरह से जेरिंग का ये कहना था कि अगर ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल पर्पस है वो सोशल पर्पस के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सोशल पर्पस को प्रोटेक्ट करे, सोशल पर्पस को फर्दर करे, और जो भी इंडिविजुअल पर्पस क्या कर रहा है सोशल पर्पस के साथ क्लैश कर रहा है उसको स्टेट क्या करे, सप्रेस करे, और इस चीज़ के लिए जो स्टेट है वो कोअर्जन को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उत्पीड़न को भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से जो जेरिंग है वो क्या करने लग रहे हैं, कोअर्जन को जस्टिफाई करने लग रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में जेरिंग कहते हैं लॉ इज कोअर्जन ऑर्गेनाइज इन अ सेट फॉर्म बाय द स्टेट। थर्ड प्रिंसिपल ये है कि जो लॉ है वो अकेला साधन नहीं, अकेला मींस नहीं है जो कि सोशल लाइफ को, सोशल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सके, और इस प्रिंसिपल को सोशल कंट्रोल प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जेरिंग का ये कहना है कि जो लॉ है वो सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है सोशल लाइफ को कंट्रोल करने वाला, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं सोशल लाइफ में जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर जो लॉ है वो क्या ही कर लेगा, बट कुछ एस्पेक्ट होते हैं सोशल लाइफ के जो एक्सक्लूसिवली कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं लॉ से, जैसे कि टैक्सेस वगैरह जैसे लगाया जाता है, रेवेन्यू वगैरह लगाया जाता है, उसके ऊपर पूरा लॉ अप्लाई होता है, तो ये एक्सक्लूसिवली कंट्रोल होते हैं लॉ के द्वारा, यानी कि जो लॉ है उसको इनके ऊपर पूरा हक है, पूरे हक से वो इनको कंट्रोल करता है। जैसे हम बोलते हैं ना यू आर एक्सक्लूसिवली माइन, यानी कि तुम पूरे हक से मेरी हो, उसी तरह से यहाँ पे लॉ का और टैक्स का जो है रिश्ता है। तो यहाँ पर दिखता है क्या, लॉ का पजेसिवनेस टैक्स और रेवेन्यूज के ऊपर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लॉ प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट, ये चीज हमने इनिशियली डिस्कस ही कर ली है कि जो लॉ है वो सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, और जो इंटरेस्ट है
उसको भी जेरिक ने क्या किया है, डिफाइन किया है, बट डिफाइन उसी तरह से किया है जैसे कि बेंथम ने इंटरेस्ट को डिफाइन किया है। इनका कहना है कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो ये पॉइंट इन्होंने दिया है, ये जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, ये सोशल यूटिलिटेरियनिज्म है, यानी कि एनालिटिकल अप्रोच और सोशियोलॉजिकल अप्रोच का मिक्सचर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सोशल यूटिलिटेरियन थियोरी किसने दी, तो ये दी थी रुडोल्फ वॉन शेयरिंग ने। ओके, तो ये तो थे रुडोल्फ वॉन शेयरिंग के जुरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल्स। और लास्टली आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे कि दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है डेड लॉ, एक होता है लिविंग लॉ। तो जो जेरिंग थे वो लिविंग लॉ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और ये लिविंग लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो बाद में जो जेरिंग के डिसाइपल थे इहरलिक, उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। तो इसलिए जो लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट है उसको प्रपाउंड करने का क्रेडिट जाता है इहरलिक को, जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो इहरलिक भी जो थे ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के एक समर्थक थे, और ये ऑस्ट्रियन लीगल स्कॉलर और सोशियोलॉजिस्ट थे। तो बेसिकली इन्होंने दिया था लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसको हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वही बात कर रहे हैं जो कि सेवनी ने अपनी वॉक जिस थियोरी में की थी। तो बेसिकली जो एर्लिक हैं उनका कहना था कि लिविंग लॉ का मतलब होता है इनर ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, यानी कि वो लॉ जो कि एक्चुअल में बाय द सोसाइटी प्रैक्टिस किया जा रहा है। हमें कोई मतलब नहीं है स्टेट कौन सा लॉ इन्फोर्स कर रही है, बल्कि हमें मतलब है उस लॉ से जो एक्चुअल में बाय द सोसाइटी प्रैक्टिस किया जा रहा है। इयरली का कहना था कि जो लॉ होता है कम्युनिटी का, वो बेसिकली सोशल फैक्ट में लाई करता है, ना कि फॉर्मल सोर्सेज में, जैसे कि जो लेजिस्लेशन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये बेसिकली जो लोगों की एक्चुअल लाइफ होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बल्कि जो लिविंग लॉ होता है वो क्या करता है, लोगों की एक्चुअल लाइफ से डील करता है, वो एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है सोसाइटी में। दैट्स वाई जो लिविंग लॉ है वो फैक्ट है जो सोशल लाइफ को 24 आवर क्या करता है, गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, जो सोसाइटी की प्रेजेंट नीड को फुलफिल करता है, जो बेसिकली सोसाइटी के द्वारा प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो यही है क्या लिविंग लॉ, जो सोसाइटी के लोगों की म्यूचुअल कंसेंट का आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडियन सोसाइटी में काफी टाइम से डाउरी सिस्टम चला आ रहा है। हालांकि डाउरी को, यानी कि दहेज को खत्म करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी लाया गया, और उसके तहत इसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी बनाया गया कि डाउरी लेना देना दोनों ही क्या है, अपराध है। बट फिर भी मजे से लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, सोसाइटी में ये चीज चलती रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी का, जो कि इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट करती है। भले ही आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी जो समाज में लोगों की सोच है वो अभी तक नहीं बदली है। तो बेसिकली आर्टिकल 17 को और जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 वाला, इन सब को एयरलिक की थियोरी अगर हम अप्लाई करें, कंसीडर किया जा सकता है डेड लॉ, क्योंकि इनका इतना कुछ अच्छा इम्प्लीकेशन देखने को नहीं मिला। इसीलिए हियरलिक का ये कहना है कि चाहे आज का समय हो या फिर पास्ट हो या फिर कोई भी अदर टाइम क्यों ना हो, इन सभी टाइम में जो भी लीगल डेवलपमेंट हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही लेजिस्लेशन में लाई करता है, ना ही जुरिस्टिक साइंस में लाई करता है, और ना ही जुडिशियल डिसीजन में लाई करता है, बट लाई कहाँ करता है, सोसाइटी में। तो इस तरह से जो हियरलिक का लिविंग लॉ है वो एज कंपेयर टू द लॉज जो कि बाय द स्टेट बनाए जाते हैं या फिर जुडिशियल डिसीजन का आउटकम होते हैं, उनसे ज्यादा स्कोप रखता है, क्योंकि वो रियलिटी में, एक्चुअल में सोशल लाइफ को क्या करता है, डोमिनेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। फर्क नहीं पड़ता है क्या लेजिस्लेशन बना दिए गए हैं या फिर क्या डिसीजन आ गए कोर्ट के, बट वो है तो है, वो कंट्रोल कर रहा है सोशल लाइफ को तो कर रहा है। तो बेसिकली जो हियरलिक थे वो लॉ को सोशल फैक्ट में मानते थे कि जो लॉ है वो सोशल फैक्ट में पाया जाता है, और इस तरह से जो लॉ है उसका हमें सोशल एस्पेक्ट कंसीडर करना चाहिए। अगर लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं या फिर जुडिशियरी डिसीजन वगैरह देती है, तो ये सब करने से पहले क्या किया जाना चाहिए, सोसाइटी की जो नीड है उनको कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लॉ है वो बेसिकली
बनाया ही इसलिए जाता है ताकि जो सोशल जस्टिस है वो अचीव की जा सके। और साथ ही वो कहते थे कि जो स्टेट होता है ना, बेसिकली एक लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अलावा और भी अदर हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, वहाँ पे भी काफ़ी सारे मेंबर्स मिलके फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, विलेज हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके अपने खुद के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनसे वो अपने जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल उनके साथ जुड़े हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। और जो भी नॉर्म्स वगैरह इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कंपल्शन, सोशल प्रेशर जो उनके साथ अटैच होता है, उन नॉर्म्स के साथ अटैच होता है। तो इस तरह से ये जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं, ये रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉर्म करते हैं, और इस तरह से जो लोगों का लिविंग लॉ होता है ना, उसका पार्ट कहलाते हैं। इनका कहना था कि जो फॉर्मल लीगल नॉर्म्स होते हैं और जो कस्टम और यूसेज वाले नॉर्म्स होते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों के बिहाइंड जो सेंक्शन होता है ना, सेम ही होता है। और वो सेंक्शन क्या है? वो है सोशल कंपल्शन, सोशल प्रेशर। अब यहाँ पर लिविंग लॉ का क्रिटिसिज्म अगर किया जाए तो बेसिकली फ्रिडमैन ने ये कहा था कि एयरलिंग जो है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही सोशल लाइफ से लॉ को लिंक कर दिया है। जो इनका लिविंग लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से डील कर रहा है, पास्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्रिटिसाइज करने लायक है वो ये है कि एयरलिंग ने तो बिल्कुल ही क्या कर दिया, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं उनके इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन कर दिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेशन आजकल बन रहे हैं, पुराने टाइम से लेकर अब तक बनते आ रहे हैं, उन्होंने सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। जुडिशरी जो डिसीजन देती है उससे भी हमारे समाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें सती की, जो पुराने टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी, इसको भी बंगाल सती रेगुलेशन लाकर 1829 में क्या किया गया था? एबॉलिश किया गया था। आज के टाइम पे क्या सती किया जाता है? नहीं किया जाता ना। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन का एक इम्पैक्ट देखने को मिला हमें पास्ट में। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक ही ले लो। अब जैसे कि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन पास करके उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है, तो हमारे इंडिया में ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अभी भी लोग ट्रिपल तलाक कर रहे हैं और उनका किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले रही हैं कि उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया, और वो उसको चुपचाप ही क्या कर ले रही है, एक्सेप्ट कर ले रही है, और बात बाहर नहीं आ रही है। तो उस वजह से कई गांव वगैरह में देखने को मिला है ये चीज़ कि ट्रिपल तलाक है अभी भी। बट जब से ट्रिपल तलाक को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, तब से ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ही कमी आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मल सोर्स की, जो कि है जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसका आज के टाइम पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी में। होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में लीगल किया गया, तो जो हमारे इंडियन सोसाइटी की सोच है उसमें धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। लोग होमोसेक्सुअल रिलेशन को एक्सेप्ट करने लग रहे हैं, लोग खुलकर अपने होमोसेक्सुअल रिलेशन को दिखाने लग रहे हैं कि वो होमोसेक्सुअल रिलेशन में एक दूसरे के साथ हैं, ओपनली वो अपने रिलेशन को शो करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर देखते होंगे काफ़ी रील्स आती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कहीं पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ये डेड लॉ हो गया, बल्कि कमी है कहाँ, एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा ढंग से ना, और ज़रूरत है किस चीज़ की, जो समाज के लोग हैं उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जो कंजर्वेटिव सोच है उसमें बदलाव आने में टाइम लगता है। इस स्कूल के अगले समर्थक हैं डीन रोस्को पाउंड, जो कि एक अमेरिकन जस्टिस थे। तो बेसिकली यहाँ पर आज की वीडियो में हमने जितने भी एक्सपोनेंट लिए हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके अलावा और भी हैं जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने इंक्लूड किया है। तो बेसिकली जो डीन रोस्को पाउंड थे, ये पॉपुलर थे लॉ के फंक्शनल एस्पेक्ट के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए और ज्यूरल पोस्टुलेट के लिए। और बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो सोशल इंजीनियरिंग की थियोरी थी वो अप्लाई की थी। कैसे? इन्होंने कहा था कि जो सोसाइटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, और उनमें आपस में क्या होता रहता है, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और वो आपस में कभी कभी क्या होता है, कॉम्पीट करने लगते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं,
लॉ को एज अ टूल अप्लाई करते हैं, ताकि जो भी कंफ्लिक्ट हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट में, वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके, वो हार्मोनाइज हो सके। और इसी को इन्होंने कहा कि यही है क्या, सोशल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो भी रोस्को पाउंड की लीगल फिलॉसफी थी, वो लॉ के फंक्शनल एस्पेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मतलब इनकी लीगल फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट था लॉ का फंक्शनल एस्पेक्ट। यानी कि ये कहते थे कि जो लॉ होता है उसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये एक सेट है एब्स्ट्रैक्ट रूल्स का, बल्कि हमें ऐसे देखना चाहिए कि इसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, ये कितना फंक्शनल है सोसाइटी में। और ये कहते थे कि जो लॉ है वो ना तो गॉड से आया है कि गॉड ने बना दिया डिवाइन लॉ, एज सच कुछ नहीं है, और ना ही ये सोवरेन से आया, बल्कि ये सोसाइटी से आया है। क्यों आया है, ताकि जो सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है उनमें जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उनको क्या किया जा सके, लॉ अप्लाई करके हार्मोनाइज किया जा सके और सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से जो लॉ होता है उसका सोसाइटी के साथ ना बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। तो इसीलिए अगर लॉ बनाया जा रहा है तो उसका सोसाइटी में कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए, सोसाइटी के लिए वो यूजफुल होना चाहिए, सोसाइटी में वो अपनी कुछ यूटिलिटी देना चाहिए, अदरवाइज लॉ की सोसाइटी में कोई भी कीमत नहीं होगी। तो जो इन्होंने थियोरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की, उसके तहत इनका ये मानना था कि जो लॉ का एम होता है वो होता है सोसाइटी के कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट में बैलेंस बिठाना, और लॉ की ड्यूटी होती है इंटरेस्ट का वैल्यूएशन करना। तो बेसिकली डिमांड, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की, जैसे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, सोशल इंटरेस्ट की और पब्लिक इंटरेस्ट की, अगर वो आपस में कॉम्पिटिंग नेचर की होती है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर की होती है, तो इस सिचुएशन में इनको बैलेंस करने के लिए जो लॉ होता है उसको एज अ टूल यूज किया जाता है बाय द मशीनरी ऑफ स्टेट, ताकि जो भी सोसाइटी के ये इंटरेस्ट है इनमें जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्या हो सके, हार्मोनाइज हो सके। तो इसी प्रोसेस को इन्होंने कहा सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो लॉयर का टास्क होता है ना वो इंजीनियर के इक्विवेलेंट होता है। और इन्होंने इंटरेस्ट को भी डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट का मतलब होता है डिमांड, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, जो कि ह्यूमन बीइंग या तो सिंगली या फिर अगर वो एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप या फिर किसी फैमिली में रह रहा है तब वो क्या करता है, अचीव करने की सोचता है। तो वो डिमांड, डिजायर, एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके इंटरेस्ट है। तो इस तरह से जो सोसाइटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। एक हो गया प्राइवेट इंटरेस्ट, जिसको हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, एक हो गया पब्लिक इंटरेस्ट और एक हो गया सोशल इंटरेस्ट। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, जो प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट और इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस। पर्सनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन है, किसी पर्सन का राइट है कुछ बोलने का, किसी पर्सन का फ्रीडम ऑफ कंशाइंस है। इनको सेफ गार्ड करने के लिए हम लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंटरेस्ट की, तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट में आपके आते हैं जो बेसिकली हमारी फैमिली में जो हमारे हित होते हैं, आपस के जो रिलेशन से जो निकल कर आते हैं हमारे इंटरेस्ट, जैसे कि हमारे हमारे बच्चों में हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे मम्मी पापा में हमारा इंटरेस्ट होता है, मतलब हित होता है। तो ये हो गए हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट के एग्जांपल हो सकते हैं आपके, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड लॉज वगैरह हो गए, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज हो गए, और आपके गार्जियन से रिलेटेड लॉ हो गए, और डिवोर्स वाले लॉज हो गए। तो वो सब आपके करते हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। वहीं अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस की, तो इसमें बेसिकली हमारे वो इंटरेस्ट आते हैं जो हमें हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं, जिनके लिए बेसिकली बने हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया। तो ये सब हो गए प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज, जिनमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट हमारा होता है सेफ गार्ड। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिकली दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, यानी कि खुद वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है तो उसका एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन स्टेट का कुछ इंटरेस्ट वगैरह होता है। वहीं दूसरा इंटरेस्ट होता है स्टेट का एज अ गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, यानी कि जो सोशल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, और जो हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है उसके ऊपर हमारा जो राइट होता है उसको प्रोटेक्ट करना।
तो ये सब सोशल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए स्टेट के कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तीसरा है सोशल इंटरेस्ट, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जनरल हेल्थ जो होती है लोगों की, उनको सेफ गार्ड करना, सिक्योरिटी देखना, पीस बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना, और जो हमारे रिलीजियस राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके राइट को सेफ गार्ड करना, सोसाइटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करना। इन चीज़ों के अलावा सोसाइटी में जो भी चीज़ें मोरालिटी के अगेंस्ट हो रही हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है या फिर गैम्बलिंग वगैरह हो रही है, इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करना, तो ये सब आ जाएंगे सोशल इंटरेस्ट में। तो ये जो भी इंटरेस्ट हैं सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे, इनको क्या किया जाता है, लॉ अप्लाई करके बैलेंस किया जाता है, और यही क्या है, सोशल इंजीनियरिंग है। अब अगर ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट हैं उनमें कन्फ्लिक्ट होने लगता है, तो ये डिटरमिन करने के लिए, ये इवेल्युएट करने के लिए कि कौन सा इंटरेस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, कौन से इंटरेस्ट को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, जो रोस्को पाउंड है इन्होंने क्या किया, कुछ बेसिक अजम्पशन दिए सिविलाइज सोसाइटी के, और इन्हीं बेसिक अजम्पशंस को कहा गया ज्यूरल पोस्टुलेट्स। रोस्को पाउंड का ये कहना था कि लेजिस्लेचर जब लॉज बनाती है या फिर जुडिशियरी जब जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट करती है, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर ज्यूरल पोस्टुलेट्स रोस्को पाउंड ने प्रोपाउंड किए, उनको क्या करना चाहिए, लेजिस्लेचर ने और जुडिशियरी ने कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद ही लेजिस्लेचर क्या करे, लॉ बनाए, उसी के बाद जुडिशियरी क्या करे, जुडिशियल प्रेसिडेंट दे। तो बेसिकली क्या थे वो ज्यूरल पोस्टुलेट्स, तो पहला ज्यूरल पोस्टुलेट था कि जो भी सिविलाइज सोसाइटी होती है उनमें हर एक आदमी को ये एज्यूम करना चाहिए कि वो दूसरों पर कोई इंटरनल एग्रेशन ना करे। तो इस हित को सेफ गार्ड करने के लिए क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि कोई भी किसी का मर्डर वगैरह, किसी पर असोल्ट वगैरह, किसी का रेप वगैरह ना कर सके। सेकंड ज्यूरल पोस्टुलेट इन्होंने दिया कि जो सोसाइटी में मैन होते हैं वो ये भी एज्यूम करने चाहिए कि जो भी उन्होंने मान लो कुछ डिस्कवर किया है या फिर कुछ प्रोड्यूस किया है या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेजिटिमेटली एक्वायर किया है, तो वो उसको एंजॉय कर सके। और इस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए आए एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड लॉस, पेटेंट लॉस, कॉपीराइट लॉस, और ये कवर होते हैं आपके प्रॉपर्टी लॉ के कॉन्सेप्ट में। थर्डली, बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम किसी के साथ डील कर रहे हैं तो जिसके साथ भी हम डील कर रहे हैं वो व्यक्ति भी हमारे साथ गुड फेथ में क्या कर रहा हो, डील कर रहा हो, वो जो भी मॉरल ऑब्लिगेशन उसकी बनती हैं वो उनको निभाएगा। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए, और इसी के लिए लाया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी। और हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन इस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि जो भी हमारी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है गुड फेथ की वो सेफ गार्ड हो सके। फोर्थली, रोस्को पाउंड का ये कहना था कि बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक्ट में इंगेज है तो वो एक्ट विद ड्यू केयर करेगा, वो ऐसे एक्ट नहीं करेगा जिससे कि अनरीजनेबल रिस्क हो और उस अनरीजनेबल रिस्क से किसी दूसरे को इंजरी हो। और इसी चीज से सेफ गार्ड करने के लिए आपके टॉट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाए गए, ताकि कोई नेग्लिजेंटली एक्ट ना करे और किसी की नेग्लिजेंट से अगर किसी को कोई इंजरी वगैरह होती है तो उसको कंपनसेशन वगैरह मिल सके। फिफ्थली, इनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हार्मफुल सब्सटेंस होता है तो बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो व्यक्ति उस हार्मफुल सब्सटेंस के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखे, ताकि उस हार्मफुल सब्सटेंस का किसी और के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। यहाँ पर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसको लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर होता क्या है, आप कोई कंपनी वगैरह खोल दी और वहाँ पर आप कोई गैस वगैरह का यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो उस गैस का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि दूसरों को उससे हार्म ना हो, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये अराइज करती है आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो ये पांच ज्यूरल पोस्टुलेट थे रोस्को पाउंड के। इन पांच पोस्टुलेट्स के अलावा बाद में रोस्को पाउंड ने तीन और पोस्टुलेट्स ऐड किए, जिनमें से पहला ये था कि बीइंग अ जॉब होल्डर आपको सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब
जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्क प्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो ये चीज़ ना हो। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में विशाखा गाइडलाइन दिया था, जो बाद में एक एक्ट बना जो कि था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर लॉज बने हुए हैं जो लेबर वगैरह होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सातवां जो पोस्टुलेट दिया रॉस्को पाउंड ने वो ये था कि जैसे कि जो सोसाइटी में ओल्ड एज पर्सन होते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो बर्डन है वो बियर करनी चाहिए कौन, सोसाइटी। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो रेलवे टिकट्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ कंसेशन मिलता है जो ओल्ड एज होते हैं उनको, और काफ़ी सारे चीज़ें मिलती हैं, पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें। आठवां पोस्टुलेट ये था कि सोसाइटी जो है वो बियर करेगी क्या, जो भी अनफॉर्चुन मिसफॉर्चून से रिस्क हो सकता है उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं, जो डिसेबलमेंट का शिकार होते हैं, उनके लिए हमारी सोसाइटी में क्या बने हुए हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं, उनको कोटा मिलता है एजुकेशन में डिसेबिलिटी का। इसके अलावा ये चीज़ भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर क्या हो जाता है कोई डिजास्टर आ जाता है तो तब भी सोसाइटी उसको क्या करेगी, बेयर करेगी, उसके जो रिस्क हुआ है उसका जो भार है वो सोसाइटी पे होगा। तो ये पूरे के पूरे आपके आठ पोस्टुलेट हैं रॉस्को पाउंड के। हालांकि जो पाउंड है वो ये कहते हैं कि ये सारे जो पोस्टुलेट हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, कि ये अगर इन्होंने कह दिया तो ये होगा ही होगा, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट और एब्सोल्यूट एज यू नो वेरी वेल। बल्कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो ये पोस्टुलेट हैं वेरी कर सकते हैं। बाकी क्रिटिक्स ने रॉस्को पाउंड की जो थियोरी थी, जो भी क्लासिफिकेशन था इंटरेस्ट का, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया, जो कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म मैंने लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस होता है ख़त्म। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके बारे में भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। ज्यूरिसप्रूडेंस के अगर सारे वीडियोस चाहिए तो सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।